अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। होममेड फ्राइड चिकन विद राइस एंड पोटैटोस। ये देखिए मैं चिकन आपको खाकर दिखा रहा हूँ। सब्सक्राइब पर प्रेस करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब पर पुश करें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक पहुँचे। और ये देखें, ये मेरी इंग्रेडिएंट्स, चिकन 600 ग्राम, दो पोटैटो ले लिए मैंने, रेड चिल्ली, राइस, लेमन, मस्टर्ड पाउडर, एग, लेमन, कॉर्नफ्लोर, साल्ट, सोया सॉस। ये मेरी इंग्रेडिएंट्स है, इनसे हमने बनाना है तीन चीज़ें, 3-in-1। वाह क्या बात है। अब एक बड़े बोल के अंदर कॉर्नफ्लोर को मैंने डाल लिया है। ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने स्मॉल हाफ बोल है, फुल भी नहीं है, ये 600 ग्राम के लिए हाफ काफ़ी है। अब इसमें जाएगा मस्टर्ड पाउडर, ये मस्टर्ड। अब एक साल्ट डालेंगे हम इसमें, ये हाफ हाफ मैंने डाला और ये 1 बन गया, 1 स्पाइस स्पून साल्ट। अब इसमें जाएगा रेड चिल्ली, रेड चिल्ली इतनी काफ़ी है, हाफ। अब जाएगा विनीगर, ये क्योंकि इसमें हमने लेमन भी डाला इसलिए मैंने विनीगर को कम रखा है, मैंने साथ लेमन जो रखा है। अब जाएगा इसमें सोया सॉस, ये, और हमने अब इसमें डाल दिया है सोया सॉस इतना, ठीक हो गया। और अब इसमें जाएगा एक अंडा। सब्सक्राइब पर क्लिक करें, घंटी वाले बटन को दबाएं। और ये मैंने अंडे को इसमें डाल दिया है, और ये बहुत मज़े की डिलीशियस डिश है, 3-in-1 क्या बात है। अब हम इसमें लेमन को डालते हैं, लेमन को कट करते हैं, फिर लेमन का रस इसमें डालते हैं। लेमन बहुत मज़े का और ज़बरदस्त टेस्ट देता है। अगर आपके पास लेमन ना हो तो सिरका डाल लें, ये यानी इस तरह रस निकाल लिया है, ये एक बड़ा लेमन है, ये बड़ी इजी रेसिपी है, होममेड, बहुत आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अब मैंने इसको करना है मैरिनेट, मिक्स करते हैं इसको अच्छी तरह से, ये ऐसे। फ्राइड चिकन के जो है ना मज़ा बहुत है खाने का, टमाटो केचप के साथ खाएं, या फिर आपके पास मिंट सास है तो मिंट सास के साथ खाएं। अब इसमें मैंने चिकन को ऐड करना है, और अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, 600 ग्राम चिकन। इसको अब मैरिनेट कर तो हमने साथ साथ वो हो गया, तो अब मैंने चिकन के पीस डाले। ये देखें मसाला किस तरह इसको लग रहा है, और कलर देखें कितना प्यारा आया है, ये देखें, हमने इसमें कोई हल्दी तो डाली नहीं है, और ये कलर देखो कितना प्यारा आया पड़ा है, फूड कलर जैसे होता है, मस्टर्ड का अपना रंग है, आपने देखा ना सरसों की जो फूल होते हैं येलो येलो कलर के, ये वैसा ही कलर है सरसों का, क्या खूबसूरत है। और इससे कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ब्लैक पेपर, ये थोड़ी और ब्लैक पेपर जाएगी, यानी ये हाफ बनती है, हाफ स्पाइस स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है। अब इसमें जाएगा मिक्स मसाला, ऑल स्पाइसेस जो है, एक मैंने स्पाइस स्पून वो डाल दिया है। अब इसको हमने चिकन के साथ मिक्स कर देना है, ये देखें माशाल्लाह वो चिकन को बिल्कुल लग गई है। तो अब देखें हमें इसमें पानी नहीं डाला, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें लीमू का रस वो डालते दूसरी चीज़ें तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हमने पोटैटो का छिलका उतार लेना है, ऐसे दो पोटैटो काफ़ी हैं, इसके 4 पीसेस बन जाएंगे बड़े लार्ज वाले।
अब हमने उसको थोड़ी देर के लिए, हमने 10 मिनट के लिए उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह से उसके साथ, फ्रीज़र में ना भी रखे तब भी सही है, इसको कम से कम आधा घंटा रखा करे ज़रूर बनाकर पहले मैरिनेट करके, उससे फिर ये होता है कि मसाला उसमें जज़्ब हो जाता। अब हमने चावलों को पानी में वाश करना है अच्छी तरह से, 3 मरतबा पानी निकालना है इसमें, ये देखो ऐसे मैंने पानी निकाल दिया और राइस भी देखो किस तरह वाइट वाइट चमक रहे हैं, प्यारे प्यारे ऐसे ये। अब ये देखें कि ये मैं जो बना रहा हूँ 3 डिशे एक टाइम के ऊपर, साथ में पोटैटोज हैं, राइस है, फ्राइड चिकन है, तो फिर तो क्या ही बात है, माउथ वाटरिंग डिशेज है ना, क्या बात है। अब मैंने पानी के अंदर ये पोटैटो को डाल दिया है, इसको फिर ऊपर से हम कर देते हैं कवर करके हम इसको ऐसे, ताकि ये बॉयल हो जाए। और कढ़ाई के अंदर मैंने बटर डाल रहा हूँ इस तरह, ताकि अब हमने ले लेना ओनियन, इसकी करनी है हमने कटिंग। अब ओनियन की कटिंग ये देखें ऐसे बारीक बारीक स्लाइस इस तरीके से, आप अगर प्याज को पकड़ते हैं तो आपके हाथ पे नाइफ नहीं लगेगी, तो फिंगरों को आपने ऐसे रखना है जैसे मैंने ये ग्रिप किया। अब ओनियन जाएगा कढ़ाई में, ये अब मैंने ओनियन को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, इसको हमने क्या करना है ब्राउन। होम मेड डिशेज का क्या बात है, क्या मज़ा है, घर पे आप बनाएं रेस्टोरेंट जैसे खाने, मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज है, 15 साल मैंने रेस्टोरेंट में काम किया है, बेशुमार डिशेज है, तो टेस्ट आपको वैसे मिलेगी मेरी डिशेज में। तो ये होम मेड डिश है, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी ताकि हम इसमें कलर निकालें। अब इसमें ही मैंने डाल दिया है साल्ट, ये 1.5 यानी इसमें साल्ट डाल दिया। अब रेड चिली डालेंगे इसमें, हाफ रेड चिली ये काफ़ी है, अगर आप रेड चिली नहीं भी डाल दिया, मैंने पीस डाल दी है रेड चिली, अगर नहीं डालना चाहते तो आप ब्लैक पेपर डाल लें। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्पाइस, गरम मसाला पाउडर जो है वो डाल दी है। अब इसमें जाएगी हल्दी हाफ स्पाइस। अब हम इसको ये देखें पानी इसका किस तरह बॉयल हो गया है, जब पानी गर्म हो तो फिर इसके अंदर चावल डालने चाहिए ये। अब पानी मैं इसके अंदर एक और हमने 1.5 और डालना है, हमने 2.5 डाल देनी है, पहले हो गया तो ये बन जाते हैं 3.5, आधा तो ख़त्म हो जाता है। तो इन 3 के अंदर फिर चावल जो है, क्योंकि वो फैलता है, उसने फैलना होता है। अब ये देखें पानी सही बॉयल हो गया, फिर इसके अंदर हमने चावलों को डाल देना है। अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे इस तरह, ये ऐसे। तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि चावल किस किस को पसंद हैं, और फ्राइड चिकन किस किस को पसंद है। तो साथ में ये पोटैटो जो है ये भी बहुत मज़े के डिलीशियस होते हैं, इन तीनों चीज़ों को खाने से जो है लुत्फ़अंदोज़ हों, फ्रेशमेंट करें पोटैटो के साथ, फ्राइड चिकन के साथ। जब आप राइस खा लेते हैं तो ये आपका स्नैक्स बन जाते हैं ना, ये स्नैक्स में नहीं आती ये चीज़ें। ये अब मैंने इसके अंदर चिकन को गरम ऑयल फ्राई पैन के अंदर, ये देखे मैंने चिकन को डाल दिया है ये, तो चिकन का जो है मसाला जो मैंने लगाया है, देखो किस तरह इसको बोटी के साथ चिपका हुआ है ऐसे ये, और ये इतने मज़े का बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, आप लोग खाएंगे, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो मेहमानों के लिए ऐसा बनाएं तो वो भी याद करेंगे कि वाकई भी हमने ये लाम अपने मेहमान गए या वहाँ पर तो उन्होंने हमारी मेहमानबाजी की है, तो क्या फ्राइड चिकन के साथ, फिर वो कहेंगे हमें भी बताएं ऐसी रेसिपी। तो फ्राइड चिकन की मेरे पास बेशुमार रेसिपीज हैं, बहुत मज़े की हैं, डिफरेंट डिशेस हैं, चिकन बंदा एक जैसी डिश खाए तो तंग आ जाता है, इसलिए मुख्तलिब बनाएं, एंजॉय करें, हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा तो बनाएं ज़रूर।
ये देखे फ्राई पैन कितना भर गया है पीसेस से। अब मैंने ये चावलों का ढक्कन उठा दिया है आने के बाद, और देखे स्टीम कैसे निकल रही है मसाले, खुशबू किस तरह फैल गई है चावलों की। ये अब मैं ये देखो कढ़ाई किस तरह भर गई है, एक छोटा सा बोल था हमने जो निकाला है चावलों का, अब ये देखें पूरी कढ़ाई, ये देखो किस तरह चावलों से माशाल्लाह भर गई है, खूबसूरत लग रहे हैं और अकेला अकेला चावल बने हैं। अब मैं इसको निकालता हूँ प्लेट के अंदर, प्लेट को मैंने ऑलरेडी जो है खीरा और टमाटर के स्लाइस से डेकोरेट कर दिया ताकि प्लेट के अंदर चावल देखने में खूबसूरत लगे। ये माशाल्लाह, और मैंने इसके साथ जो पोटैटो भी रख दिए हैं बॉयल वाले। अब हमने इसमें जो फ्राइड चिकन है हमारा वो हमने इसमें रखने हैं, एक ही प्लेट में मैं ये लगा रहा हूँ तीनों चीज़ें। क्या बात है, ये माशाल्लाह क्या लुक आई है चिकन की, क्या खूबसूरत है, माउथ वाटरिंग। देखें माशाल्लाह प्लेट के अंदर तीनों चीज़ें कितनी प्यारी खूबसूरत लग रही हैं। बनाएं इस तरह की, एंजॉय करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी हमने ये चीज़ें जो बनाई हैं बहुत वाकई इसी रेसिपी के साथ बहुत मज़े की बनी हैं। तो फिर आप इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, आगे फैमिलीज़ में फ्रेंड्स में शेयर करें। तो अब मैंने गार्निश के लिए ये देखे इसको किस तरीके से मैंने ऊपर से इसकी गार्निश कर दी है, और ये मिंट का लगाते हैं साथ में फ्लावर, ये देखे माशाल्लाह क्या लुक है, साथ में मैंने टमाटो केचप रखी है। अब मैं ये खाकर दिखाता हूँ, सो डिलीशियस। अब चिकन की बारी आ गई, अब चिकन को खाते हैं। मिंट, ये देखे मैंने टमाटो केचप लगाई, वाओ क्या लुक है चिकन की माशाल्लाह, अच्छी लगी तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई